We were discussing the hemostasis, that is maintenance of the blood volume. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत फैक्टर्स हैं जो मेंटेन कर रहे हैं ब्लड के वॉल्यूम को. इसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, 5 to 6 liters, और ये बनाता है 6 to 8% ऑफ बॉडी वेट. अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज़ कर रहे हैं ब्लड वॉल्यूम को, कुछ फैक्टर्स डिक्रीज़ कर रहे हैं ब्लड वॉल्यूम को. अब जो उनसे फैक्टर्स इंक्रीज़ करेंगे ब्लड वॉल्यूम को वो क्या है, एक तो इन्फेंट्स में जैसे ग्रोथ रेट बहुत हाई है, इसी तरह हर चीज़ की प्रोडक्शन एट मैक्सिमम पेस पे हो रही है, तो इसी तरह ब्लड सेल्स एट्सेट्रा एवरीथिंग, इन सब की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है इन्फेंट्स में. फिर मेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल. फिर प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, फिर ब्लड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. एक्सरसाइज, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनसेटरी इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. फिर हाई अल्टीट्यूड पे भी वही रिक्वायरमेंट के लिहाज से कंपनसेटरी इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम होता है. फिर हाइपरथायरॉयडिज्म, सेम चीज़ है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बॉडी में, सिमिलरली कंपनसेटरी इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम. फिर है पॉलीसाइथीमिया वेरा, ये तो हर एक बीमारी है. तो हम ये थ्री फैक्टर्स को कह सकते हैं कि ये हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स इन्फेंट्स. अब ये होना ही होना है, इसमें मेल में ज़्यादा होना ही होना है, प्रेगनेंसी में भी होना ही होना है. अब ये थ्री फैक्टर्स हैं मॉडिफाइबल हैं जिनमें इंक्रीज़ होगा ब्लड वॉल्यूम. फिर कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें होता है डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, वो कौन से फैक्टर्स हैं, ओबेसिटी, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, एनीमिया एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ यहाँ फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी के रेफरेंस से, क्वेश्चंस के रेफरेंस से, बल्कि क्लिनिकल साइड के लिहाज से भी. तो इसका लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह पढ़ना. फिर आता है हेमरेज, वही बात है कि जहाँ ब्लड लॉस हो गया तो वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम कम है. फिर डिहाइड्रेशन, सेम केस के ब्लड वॉल्यूम इसमें भी कम होगा. सो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनको भी अच्छी तरह याद रखना है. सो ये फैक्टर्स थे मेंटेनिंग द ब्लड वॉल्यूम या फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन हीमोस्टेसिस. हीमोस्टेसिस के साथ आगे पूरा मैकेनिज्म है ब्लड क्लॉटिंग का, प्लेटलेट्स का रोल है सारा, उसका भी पूरा चैप्टर है, उसको भी हम प्लेटलेट्स के साथ डिटेल से स्टडी करेंगे. इसके बाद एक और टर्म आ जाती है जिसको हम कहते हैं हीमेटोक्रिट. हीमेटोक्रिट क्या होता है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है. इसकी डेफिनेशन होगी कि दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स विद दैट ऑफ द होल ब्लड, यानी कि इस ये पैक्ड सेल वॉल्यूम भी बेसिकली वही बात है. हमने ये देखा है कि मेजर कंपोनेंट जो है ब्लड में सेलुलर कंपोनेंट वो है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तो खैर हम सेल में नहीं इंक्लूड करते, डब्ल्यूबीसी बहुत कम है. तो मेन हम बात यहाँ पे आरबीसी की ही कर रहे हैं जब हम सेलुलर कंपोनेंट कह रहे हैं, ये बात याद रखनी है. सो दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स विद दैट ऑफ होल ब्लड. इन अदर वर्ड्स दिस इज द पैक्ड सेल वॉल्यूम
या फिर हम इसको कह सकते हैं कि आरबीसी काउंट है एक तरह से ये। सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसकी वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज है बेसिकली ये, इसकी रेंज है 40 to 48% इन मेल एंड 36 to 42% इन फीमेल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्लड के हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ लिए, अब हम इनको किस तरह सेपरेट करते हैं। वो मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन का, वो डिटेल से आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। यहाँ पे जितनी डिटेल आपको फिजियोलॉजी के लिए चाहिए वो मैं यहाँ बता रही हूँ, इसके लिए इतना ही काफ़ी है। सेंट्रीफ्यूगेशन, आपको आइडिया होगा कि क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। हम एक सोल्यूशन ले के, ब्लड एक मिक्सचर ही है ना डिफरेंट कंपोनेंट्स का जिनको हम अलहदा अलहदा कर रहे हैं, उसको हम एक स्पेसिफिक स्पीड पे रोटेट करते हैं एक कंटेनर में। एक स्पेसिफिक मशीन है इसके लिए, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट टाइम के लिहाज से सेपरेट हो जाते हैं। स्पीड हमने इसमें रखनी होती है 30,000 RPM यानी रोटेशंस पर मिनट। प्लेटलेट्स जो हमें इस लिहाज से हासिल होंगी वो होंगी 1.5 million to 4 million। फिर RBC है 4.5 to 5.5 million और WBC है 7,000 to 11,000। ये पर डेसीलीटर के लिहाज से डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इनकी रेंज आ जाती है, ये भी याद रखनी है। और WBC का जैसे मैंने कहा कि एक बहुत वाइड रेंज है इसकी, ये इन्फेक्शन को जाहिर करता है जब ये 11,000 तक पहुंच जाता है, नहीं तो ये 7,000 तक होता है, और इससे कम हो जाए तो वो फिर इम्यूनो डेफिशिएंसी कहलाएगी। फिर ब्लड के ये जो कंपोनेंट्स हैं ये इसमें क्या कहेंगे, इस ये सेम नहीं रहते, ये रिप्लेनिश होते रहते हैं। तो प्लेटलेट्स का जो टाइम है वो है 7 days का, यानी कि 7 days के बाद जो प्लेटलेट्स न्यू प्लेटलेट्स आ जाएंगी और जो पुरानी वाली है वो रिप्लेनिश हो जाएंगी। फिर RBC का टाइम है 120 days, इनकी भी ऑटोफेगी हो जाती है उसी तरह जैसे प्लेटलेट्स का था, ये भी नहीं आ जाएंगी ब्लड में। फिर WBC का टाइम वेरी करता है विद अकॉर्डेंस टू द रिक्वायरमेंट। सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये रेंज और इनका ये रिकवरी टाइम सारा, ये भी अच्छे से याद रखना है। हम नेक्स्ट अब कंटिन्यू करेंगे RBC के टॉपिक से और फिर बाकी का ब्लड का टॉपिक कवर करेंगे। डाइटन की रिवीजन होगी एक तरह से। सो आई होप दिस वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।